Hi you guys, welcome back to my channel. If you're new to this place, then I am Vibha and I upload videos related to fashion, lifestyle and haul videos. So I'm back with yet another Meesho haul and इस बार मैंने Meesho की उस category को try किया है जो मैंने इससे पहले कभी भी try नहीं किया है. I am talking about Meesho bottom wear. तो मैंने इससे पहले कभी भी Meesho से bottom wear order नहीं किए थे. मुझे ना हमेशा ऐसा डर सा लगता था कि पता नहीं कैसी फिटिंग होगी, अच्छा आएगा या नहीं, बट सोचा इस बार ट्राई करते हैं. बिकॉज Meesho ना क्या करता है, बॉटम वियर में मैंने हमेशा देखा है कि बॉटम वियर में ना ये बहुत अलग टाइप की इमेज लगाता है, मतलब जैसे कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो, इसलिए मुझे हमेशा थोड़ा सा डाइसी सा लगता था. बट सोचा क्यों ना अफोर्डेबल ट्राउजर ऑर्डर करती हूँ एंड देखती हूँ कि कैसे आते हैं, फिर अगर अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा मैं हायर साइड में भी जाऊंगी. तो इस बार मैंने जितने भी ट्राउजर ऑर्डर किए हैं वो सभी बिलो 400 की रेंज में है एंड मुझे सीरियसली मतलब बताऊं तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ना काफी ज्यादा अच्छा लगा. कुछ मुझे उतने पसंद नहीं आए बट कुछ थोड़े अच्छे भी हैं. तो अब बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जैसा मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं विद दिस फर्स्ट ट्राउजर एंड इट्स इन फ्यूशिया पिंक कलर. सो इसका जो इमेज में कलर था ना वो थोड़ा सा लाइट शेड में था, बट मुझे जो रिसीव हुआ है उसका कलर है फ्यूशिया पिंक. यू कैन सी इट्स अ वाइड लेग ट्राउजर एंड सच्ची बताऊं तो मुझे ये वाला ट्राउजर बहुत ज्यादा पसंद आया बिकॉज इसकी जो फिटिंग है ना वो बहुत अल्टीमेट है. मतलब इतने कम प्राइस में इतनी सही फिटिंग मिली है ना, मैं आपको क्या ही बताऊं सीरियसली. यू कैन सी ओवरऑल कुछ इस टाइप का इसका लुक है. इसमें आपको ना 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. वेस्ट में आपको इस टाइप से पैटर्न मिलेगा एंड आपको यहाँ पे ऐसे बटन मिल जाएगी एंड देन नीचे साइड से जिप पैटर्न दिया हुआ है. ओवरऑल इसका लुक कुछ इस टाइप से है. इट्स अ हाई वेस्ट ट्राउजर. ओवरऑल इसका लुक काफी ज्यादा अच्छा है गाइस. फिटिंग तो मतलब परफेक्ट है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है एंड इसका मटेरियल भी मुझे अच्छा लगा. इट्स अ कॉटन एंड पॉलिएस्टर मिक्स समथिंग. वहां पे तो वैसे कॉटन मटेरियल लिखा था बट एग्जैक्टली ये कॉटन तो नहीं है, पॉलिएस्टर भी इसमें मिक्स है. सो मेरे साइड से तो 10/10 है ये. अगर आपको रिक्वायरमेंट है ट्राउजर की अफोर्डेबल प्राइस में तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं. मैंने अपना ना साइज इसमें ऑर्डर किया है 30. वैसे मेरा जो यूजुअल साइज है ना वो 28 है बट मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि मुझे ना इसमें एक बड़ा साइज ऑर्डर करना चाहिए, इसलिए मैंने इसे 30 में ऑर्डर किया एंड आई थिंक मैंने सही किया बिकॉज 30 मुझे एकदम परफेक्ट फिट हुआ है. मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आपका जो एक्चुअल साइज है ना उससे एक साइज बड़े में ही आप ऑर्डर करें. इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है ओनली 336 रुपीज. सो प्राइस वाइज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी डील है गाइज. यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, मुझे तो इससे प्यार हो गया है. Now moving on to the next product. So it's a jogger and it's in beige color. You can see ये वाला jogger भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया. जैसा ये image में दिख रहा था ना बिल्कुल वैसा ही मुझे receive हुआ है. आप देख सकते हैं इसका overall look. So इसका जो pattern है ना वो flared pattern में है नीचे side से and waist में आपको elastic pattern मिल जाता है दोनों side से and drawstring आपको मिल जाती है फ्रंट में. नीचे साइड में आपको इसमें ना पॉकेट मिल जाते हैं दोनों साइड में एंड देन नीचे से ये पूरा फ्लेयर्ड है. इसका मटेरियल लाइक्रा है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल इसका मटेरियल है. आप इसे ना डेली वेयर में भी पहन सकते हैं एंड अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं आउटिंग के लिए ना तो भी आप इसे ले सकते हैं. मुझे ये वाला भी बहुत ज्यादा पसंद आया. Meesho के कुछ प्रोडक्ट तो सीरियसली मुझे इतने ज्यादा पसंद आए ना बॉटम वियर में कि मैं आगे भी इसको जरूर ट्राई करूंगी एंड इसके लिए मैंने ना प्राइस पे किया है लेट मी चेक ओनली 400 रुपीज. सो प्राइस वाइज तो मतलब बहुत ही ज्यादा सही है एंड मटेरियल भी इसका इतना सॉफ्ट है ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ऐसे देखने में तो, बट बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है. इसमें भी मैंने अपना साइज 30 ऑर्डर किया है एंड फिटिंग वाइज ये वाला भी एकदम परफेक्ट है. आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर. तो ये वाला ट्राउजर मैंने सेम अर्बैनिक में भी देखा था बट अर्बैनिक में वो बहुत ज्यादा प्राइसी साइड में था बट Meesho में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला. यू कैन सी इट्स इन ब्लैक एंड ब्लू कलर एंड ओवरऑल पूरे ट्राउजर में आपको इस टाइप से प्रिंट मिल जाता है. यू कैन सी इसमें ना बहुत सारे आपको प्रिंट एंड कलर ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप देख सकते हैं.
ओवरऑल इसका लुक कुछ इस टाइप से है एंड इसका जो फिट है ना वो बेल बॉटम टाइप से है, मतलब थाई से ना ये एकदम परफेक्ट फिट है एंड नीचे साइड से थोड़ा सा ऐसा फ्लेयर्ड पैटर्न है एंड ये पूरा बॉडी हगिंग है, मतलब इसका जो मटेरियल है ना वो एकदम बॉडी से चिपक जाता है बट बहुत ही ज्यादा लाइट सा है, बिल्कुल ऐसा चुभने वाला मटेरियल नहीं है। ये हाई वेस्ट ट्राउजर है एंड आपको कुछ इस टाइप से वेस्ट इसका मिलता है, नीचे साइड से ये इस टाइप से है, लेंथ इसकी एकदम लॉन्ग है। आप इसे भी जरूर ट्राई कर सकते हैं बिकॉज बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सा मटेरियल है इसका। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें आपको ना कोई भी पॉकेट नहीं मिलते हैं, बाकी तो सब चीज बहुत अच्छी है। प्राइस मैंने इसके लिए ओनली 291 पे किया है एंड इसमें भी मैंने अपना साइज 30 ऑर्डर किया है एंड फिटिंग वाइज ये भी मुझे एकदम परफेक्ट है। साइज आप मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप मीशो से अगर कुछ बॉटम वियर ऑर्डर कर रहे हैं ना तो एक साइज बड़ा ही आप ऑर्डर करें, बिकॉज मेरा जो यूजुअल साइज है ना वो 28 है बट मैंने सभी में 30 ऑर्डर किया है एंड मुझे 30 की फिटिंग एकदम परफेक्ट हुई है, तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्राउजर, तो ये वाला ट्राउजर जैसा इमेज में दिख रहा था ना उससे काफी ज्यादा हटके है, इमेज में तो इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ डाल दिया है बट ओवरऑल इसका लुक यू कैन सी कुछ इस टाइप से है। ब्लैक कलर में ही ये फ्रंट में आपको बटन डिटेलिंग मिल जाती है, नीचे साइड से इसमें जिप पैटर्न मिल जाएगा एंड देन इसका लुक कुछ इस टाइप से है। इट्स अ स्ट्रेट फिट पैंट, आप देख सकते हैं लेंथ इसकी एकदम परफेक्ट है, मटेरियल है इसका पॉलिएस्टर मिक्स समथिंग, इसमें आपको साइड में पॉकेट मिल जाते हैं दोनों साइड में, तो जैसा इमेज में था वैसा तो ये नहीं है बट प्राइस वाइज मुझे ये वाला भी काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं एंड आपको फॉर्मल वियर के लिए रिक्वायरमेंट है पैंट की तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इसका मटेरियल ना चुभने वाला तो नहीं है तो आप लॉन्ग आर्म्स के लिए भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रंट से ना इस टाइप से लाइनिंग मिल जाती है, आप साइड में ट्राई ऑन पार्ट में देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो ओवरऑल कुछ इस टाइप से इसका लुक है, वैसे मटेरियल वाइज ये भी अच्छा है बट जो इमेज में था उससे थोड़ा सा हटके है। इसके लिए मैंने प्राइस पे किया है 365 एंड साइज इसमें मैंने 30 ऑर्डर किया है, फिटिंग वाइज ये वाला भी एकदम परफेक्ट है। सो प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मुझे ये भी पसंद आया है, फॉर्मल वियर के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट ट्राउजर। सो ये वाला ट्राउजर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इमेज में तो ये बहुत ज्यादा अलग दिख ही रहा था बट मुझे जो रिसीव भी हुआ है ना उसकी फिटिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। यू कैन सी ओवरऑल इसका लुक कुछ इस टाइप से है, वेस्ट में आपको इलास्टिक पैटर्न मिल जाता है दोनों साइड से एंड इसमें आपको साइड में पॉकेट मिल जाएंगे दोनों साइड में एंड देखने में तो ये वाइड लेग ट्राउजर जैसा दिख रहा था बट इसकी फिटिंग बहुत ही अजीब टाइप से है, थोड़ी स्ट्रेट फिट जैसा दिख रहा है, ये कटिंग तो इसकी स्ट्रेट फिट जैसी है एंड ये ना मुझे वेस्ट से काफी ज्यादा टाइट हो रहा था एंड नीचे से भी ये उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, प्लस इसकी ये जो इलास्टिक है ना वो तो बहुत ही ज्यादा टाइट सी है, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कुछ ऐसा मुझे बांध दिया होगा इसमें भी, जबकि मैंने अपना साइज 30 ऑर्डर किया है बट 30 के हिसाब से ये काफी ज्यादा टाइट है। मटेरियल इसका कॉटन समथिंग है, बहुत अच्छा वाला कॉटन नहीं है, प्लस इसमें जो प्रिंट किया है एंड ओवरऑल जो स्टिचिंग है ना वो भी मुझे उतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है। प्राइस इसके लिए वैसे मैंने बहुत ज्यादा तो पे नहीं किया है, 242 रुपीज ही है बट अगर मैं कंपेयर करूँ जो स्टार्टिंग के चारों ट्राउजर थे ना उसके हिसाब से तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो दीज आर ऑल दी बॉटम वेयर जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे एंड फर्स्ट टाइम के हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा। स्टार्टिंग के जो 3 बॉटम वियर है ना वो तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए, तो अगर आपको उनमें से कोई भी अच्छा लग रहा हो आप जरूर ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक सभी प्रोडक्ट की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा ट्राउजर पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में जो घंटी है उसे प्लीज प्रेस कर दीजिएगा सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।